हेलो एवरीवन, स्टडी फाइल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सैनी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी द्वारा पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो मैंने इसके अंदर जो एसएससी में 2017 के अंदर सीजीएल के अंदर पूछे जो जीके के क्वेश्चन गए थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन के साथ साथ अपनी अलग से भी एफर्ट डाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इन्हें हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहले क्या हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट या शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक, कैबिनेट मिशन, तो हमें ये बताना है। तो हमें इनकी डेट याद होनी चाहिए कि हमें कौन सा मूवमेंट कब हुआ है। तो अभी मैं बताता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1932 के अंदर, और कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। जो पूना पैक्ट था वो किसके बीच में हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। और जो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन लाया गया था तो वो कौन लेकर आया था, वो लेकर आए थे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उसके द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर क्या है, जो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1917 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण से, तो ये लॉन्च किया गया था सत्याग्रह। कौन सा लॉन्च किया गया था, सत्याग्रह। तो आपको ये जो मूवमेंट्स हैं या आपके जो कॉन्फ्रेंस मिशन, ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आपको ये पता होनी चाहिए, इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में कब हुआ था। तो जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 को। नॉन कॉन्फ्रेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1920 में, 1920। और जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो मैं बता चुका हूँ, 1942 में हुआ था। और जो स्वदेशी मूवमेंट था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन चाइना सी, जो चाइना के अंदर जो चक्रवात आते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइफून। टाइफून जो चाइना के अंदर आता है उन्हें टाइफून बोलते हैं। टोर्नेडो किस कहाँ कहाँ बोला जाता है, टोर्नेडो बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। जो हरिकेन है वो कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन, तो इनमें से कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियन का पार्ट नहीं है। तो देखिए, स्कैंडिनेवियन आपको पता होना चाहिए पहले कहाँ पर पड़ता है। स्कैंडिनेवियन पड़ता है यूरोप के अंदर। कहाँ पड़ता है, यूरोप के अंदर। तो इसमें जो पार्ट नहीं है वो कौन सा है, फिनलैंड। फिनलैंड क्या है, स्कैंडिनेवियन का पार्ट नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन का पार्ट है। कैटल क्विकली सेलो ग्रास एंड स्टोर इन देयर, जो मतलब मवेशी होते हैं वो घास खाते हैं और वो किस में रखते हैं, वो रखते हैं र्यूमेन में। किस में रखते हैं, र्यूमेन में। और जो ह्यूमन होते हैं वो किस में रखते हैं, स्टोमक। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो है रेड ब्लड सेल। क्या है वो, RBC। वाइट ब्लड सेल का काम क्या था, वाइट ब्लड सेल का काम जो होता है वो होता है इन्फेक्शन से लड़ना। ठीक है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है बोन मैरो से, ये पूरे और ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। ठीक है, और हम वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, LUKOCYT, ल्यूकोसाइट। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किडनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है एस्क्रेशन का। क्या काम होता है, एस्क्रेशन का। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस अराउंड द कॉर्नर और स्लिट इट, मतलब जब कोई लाइट किसी चीज़ से पास होती है कॉर्नर से और वो थोड़ा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, रिफ्लेक्ट क्या होती है, कुछ भी, जैसे यहाँ पर एक मिरर है, लाइट ऐसे पड़ रही है और वो 45-90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। जैसे पड़ रही है और वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे रिफ्लेक्ट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होती है, अगर जो लाइट ऐसे आ रही है और वो सीधी ना जाके
किसी और डायरेक्शन में चली जाए, कोई और एंगल बना दे 90 से अलग, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइरेज इन डेजर्ट, मतलब जो माइरेज है डेजर्ट के अंदर वो किस कारणों से बनता है? ठीक है, वो बनता है किसमें? फॉर इस कंसर फोर्थ बोथ रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है फोटन इज यूज फॉर, जो फोटन है वो किसके किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता? तो इसका आंसर है दोनों, ना वो ड्राइंग पिक्चर के लिए यूज किया जाता, ना ही वो मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है। फोर्टन एक तरह का सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, और एक तरह की लैंग्वेज भी, फोर्टन लैंग्वेज भी होती है, तो दोनों ही होते हैं, फोर्टन लैंग्वेज भी होती है और सुपर कंप्यूटर भी होता है। इसमें से पूछा है कि कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीकेस्ट बॉन्ड है। देखिए केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं काफ़ी जल्दी जल्दी इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर जो मैं सिर्फ केमिस्ट्री का जब मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको उसके अंदर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से समझाऊँगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसने पूछा है कि अगर जो हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होती है तो उससे क्या निकल के आता है? तो इसने ये क्वेश्चन में पूछा है, तो वाटर तो निकलता ही निकलता है साथ में, तो उसके साथ और क्या निकलता है? तो उसके साथ जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो उसके साथ निकलता है साल्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता, अगर जो हम एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तब क्या निकल के आता है? तब निकल के आती है हाइड्रोजन गैस और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बिश्नोई मूवमेंट है वो किसके लिए यूज किया गया है? वो यूज किया गया है कटिंग ट्री के लिए। और जो बिश्नोई मूवमेंट हुआ था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? वो होता राजस्थान में। कटिंग ट्री से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये होता चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। इसमें पूछा है इनमें से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराना गरीबों में, जो BPL फैमिली है उनमें। तो ये कब लॉन्च हुई थी उज्ज्वला योजना? ये हुई थी 2016 के अंदर। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? सौभाग्य योजना। कौन सी? सौभाग्य योजना, जो 2017 के अंदर रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेलीविज़न को किसने डिस्कवर्ड किया था? टेलीविज़न को डिस्कवर्ड जो किया था वो किया था जॉन बेयर्ड। ठीक है, और जो माइकल फैराडे है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो डिस्कवर किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आयरन की रोड होती है, उसमें जो कोयल होती है, ठीक है, उसको उस पर लपेटा जाता है और फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो आयरन की कोयल, ये आयरन की कोयल है, जो आयरन है इसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, ये है सिंपल सी भाषा। और जोसेफ हेनरी ने क्या डिस्कवर किया था? इसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिक डोरबेल, जो दीवार, जो घर के अंदर घंटियाँ होती हैं वो। वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 प्लेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है ब्रिक्स का? तो आपको पहले पता होना चाहिए ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, चाइना और एक और है साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंट्री का काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? कौन सी कंट्री के साथ, कौन सी नाइबरिंग स्टेट, पड़ोसी देश के साथ? तो वो है आपका नेपाल। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या कहती है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी है? ये दी है आपकी लियोन वालरस। ठीक है, लियोन वालरस। और केनेसियन थ्योरी किससे रिलेटेड है? केनेसियन थ्योरी जो रिलेटेड है वो है आपकी टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी, टोटल
स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और अगर जब हम एडम स्मिथ की बात करें, ये तो सबको ही पता होगा, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इन्हें, और इनकी एक बुक है बहुत फेमस, आपको पता हो तो इसकी इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 के अंदर लिखी गई थी, और इन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, CAPITALISM, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रेसिडेंट इंडिया, जो प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो कौन दिलाता है, वो दिलाता है आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। आगे ही मैं और ऐसे जीके के क्वेश्चन कवर करूँगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।